हेलो दोस्तों, मैं विपिन राजपूत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बुडोना इंटीरियर में। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे लिविंग रूम में एलईडी पैनल कैसे बनाएं। ये हमारा जो दीवार है ये यहाँ से लेके और यहाँ तक टोटल हाइट हमारी 8 फुट बाई यहाँ से लेके उस कॉर्नर तक 6 फुट, 8x6 की हमारी ये दीवार है। यहाँ पे हमने ये एलईडी पैनल बनाया हुआ है। मैं इसके अगर ओवरव्यू दे देता हूँ हमने इसमें क्या किया हुआ है। गाइज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सारे वीडियो मिलते रहें। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। मैं आपको बताता हूँ, ऊपर से लेके वहां से लेके यहाँ तक हमने ये 20 इंच जगह छोड़ी हुई है। नीचे की अगर हम बात करें तो इसको हमने नीचे प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है, नीचे फ्लोर से लेके इसको हमने बॉल हैंग किया हुआ है, ये हमने 8 इंच जगह छोड़ी हुई है। नीचे से 8 इंच और ऊपर से 20 इंच जगह छोड़ने के बाद हमारे पास जो स्पेस बचता है वो बचता है इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक 5.5 फुट और हमारा इस कॉर्नर से लेके आपका इस कॉर्नर तक 6 फुट। तो हमारा जो एलईडी पैनल का साइज है वो 6 फुट बाई 5.5 फुट है। अब हमने क्या किया हुआ है इसको स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये हमारा उस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक हमारा 72 इंच है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, 36 तो ये आपका 36। अब इसमें हमने क्या किया हुआ है, 36 में इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ और इसको ओपन रखा हुआ है। तो ये 2 हमारे ओपन सेल्फ्स हो गए हैं, इसको आप बुक सेल्फ्स भी कह सकते हैं। ये 2 हमारे बुक सेल्फ्स हो गए हैं जिसकी जो डेप्थ है दोनों की 8 इंच और यहां से लेके यहां तक ये आपकी 8 इंच है। दूसरी साइड हमने क्या किया हुआ है, स्टोरेज के लिए इसको कवर करके बनाया हुआ है। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें हमने इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक साइड हमने सेल्फ नहीं डाला है सो दैट अगर आपको कुछ बड़ा स्टफ रखना है तो आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं। दूसरी साइड हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि अगर आपको कुछ छोटा स्टोरेज चाहिए तो आप यहाँ पे उसको प्लेस कर सकते हैं। डेप्थ की अगर मैं इसकी बात करूं तो ये यहां से लेके यहां तक जो हमें ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है ये हमारी 13 इंच डेप्थ है। उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, इस कॉर्नर से लेके और यहां तक 11 इंच इसको सेपरेट किया हुआ है फ्रोस्टी वाइट हाई ग्लोस लैमिनेट्स के थ्रू। सेम चीज हमने इस साइड भी की हुई है, यहां से लेके यहां तक 11 इंच का फ्रोस्टी वाइट हाई ग्लोस लैमिनेट्स यूज किया हुआ है इसको सेपरेट करने के लिए। बीच में हमारे पास यहां से लेके यहां तक जो जगह बचती है ये अराउंड 50 इंच बचती है, इसमें हमने SF लैमिनेट्स यूज किया है सो दैट इसकी लुक बेटर आए, थोड़ा डिफरेंस इनमें हमें विजिबल हो। 11 इंच ये है और 11 इंच उस साइड से। अब ऊपर आते हमने इसमें क्या किया हुआ है, फ्लोर से प्लेटफॉर्म से लेके यहां तक हमने 16 इंच का स्पेस रखा हुआ है। उसके बाद हमने एक ग्लास का सेल्फ डाला हुआ है जिसकी हमारी चौड़ाई 10 इंच है और डेप्थ आप देखें तो 8 इंच है। 16 इंच का हमारा एक ये सेल्फ है, उसके बाद ये हमारा जो सेल्फ है इसके बीच में जो गैप है 14 इंच है। सेम हमने ऊपर किया हुआ है, यहां से लेके यहां तक ये हमारा 14 इंच का गैप है। उसके बाद ऊपर हमने क्या किया हुआ है, 6 इंच गहरी हमने एक डबल पार्टीशन किया हुआ है, एक सेल्फ दिया हुआ है जिसकी थिकनेस 1.5 इंच है। उसमें हमने क्या किया हुआ है जैसा आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे स्पॉट लाइट दिया हुआ है। स्पॉट लाइट इसलिए कि अगर यहाँ पे आप कुछ डेकोरेटिव स्टफ रखते हैं तो उस पर फोकस आए। सेम चीज हमने इस साइड भी की हुई है, यहां से लेके यहां तक ये हमारा 14 इंच है, यहां से लेके यहां तक हमारा 14 इंच है और यहां से यहां तक ये आपका 16 इंच है। इधर भी हमने स्पॉट लाइट दी हुई है, जो भी आपके डेकोरेटिव आइटम्स हो उस पर फोकस रहे। अच्छा एक चीज और हमने यहाँ पे क्या हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारा हाई ग्लोस लैमिनेट्स और जो SF लैमिनेट्स है उसके बीच में हमने क्या किया हुआ है, वो गैप विजिबल ना हो और उसकी लुक बेटर है उसके लिए हमने जैसा आप ये देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे पूरा इनले यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। सेम दूसरी साइड भी हमने हाई ग्लोस लैमिनेट्स और SF लैमिनेट्स के बीच में ये इनले यूज किया हुआ है अपर तक। और जो प्रोविजन हमने यहाँ पे दिया हुआ है ये 42 to 46 इंच के टीवी का दिया हुआ है। अभी जो यहाँ पे आप ये एलईडी देख रहे हैं ये 42 इंच का है, अगर यहाँ पे आप बड़ा एलईडी भी लगाना चाहें तो 46 इंच तक आप लगा सकते हैं। अपर साइड की बात करें, जो हमारा ये अपर सेल्फ है 1.5 इंच थिकनेस का, इसके ऊपर हमने ये ओपन स्पेस दिया हुआ है, इसके ऊपर आप कुछ भी अपना टॉयज डेकोरेटिव आइटम्स या आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक ये लैंप का प्रोविजन था तो यहाँ पे हमने एक ये फैंसी लाइट यहाँ पे लगाई हुई है। तो ओवरऑल हमारा ये कंप्लीट एलईडी पैनल है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।